हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो कल्याणी का चालुक्य शासक है सोमेश्वर प्रथम, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, चालुक्यों के बारे में हमने काफ़ी कुछ पहले पढ़ा है, जैसे कि चालुक्यों की तीन शाखाएं थी, बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। तो इनमें से हमने बादामी के चालुक्य और कल्याणी के सॉरी वेंगी के चालुक्यों के बारे में पढ़ लिया है। अभी हम कल्याणी के चालुक्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको ओनली कल्याणी के चालुक्यों के बारे में ही बताऊंगी। तो देखिएगा, जो कल्याणी के चालुक्य हैं, इनकी जो स्थापना है ये है किसने की थी? तो कल्याणी के चालुक्यों की जो स्थापना है ये है तैलब सेकंड ने की थी। ठीक है, तो देखिएगा होता क्या है कि जो कल्याणी के चालुक्य हैं इनको पश्चिमी चालुक्य भी कहा गया है, और 10वीं शताब्दी के अंत में कल्याणी में चालुक्यों ने एक शाखा का उदय किया था। ठीक है, इस समय दक्षिण की जो राजनीतिक स्थिति है इसमें निरंतर परिवर्तन हो रहे थे। मालवा के परमार शासकों के निरंतर आक्रमण के कारण जो राष्ट्रकूट साम्राज्य वह जर्जर हो गया था, और कृष्ण थर्ड है उसके दुर्बल उत्तराधिकारी कौन थे? खेटिक और कर्क सेकंड, ये राष्ट्रकूट राजवंश की सुरक्षा करने में असक्षम रहे। और जो अंतिम राष्ट्रकूट शासक है कर्क सेकंड, उसके समय में उसका संबंध चालुक्य वंशीय तैलब सेकंड शक्तिशाली हो गया था, और 973-74 ईस्वी में तैलब सेकंड ने अपनी शक्ति और कूटनीति से राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत पर अधिकार कर लिया और नए राजवंश की स्थापना की, जो था आपका कल्याणी का चालुक्य राजवंश। और ये जो कल्याणी के चालुक्य राजवंश हैं, ये जो कल्याणी के का जो चालुक्य राजवंश है इसमें कई शासक हुए हैं जो मतलब चोलों से लड़ते रहे हैं। तो दक्षिण में कई मतलब महान शक्तियां हुई हैं, चेर हुए हैं, चोल हुए हैं, पांडे, राष्ट्रकूट, पल्लव, इन सभी में लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो जो कल्याणी के चालुक्य हैं ये राष्ट्रकूटों को हराते हैं और चोलों से ये लड़ाई करते हैं। तो देखिएगा, जो तैलब सेकेंड है इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है, और जो और भी जैसे शासक हैं, जैसे सत्यास्रय है, विक्रमादित्य पंचम है, जय सिंह सेकंड है, इनके बारे में भी हमने काफी कुछ पढ़ा है। अब हम पढ़ रहे हैं सोमेश्वर प्रथम। ठीक है, तो जो सोमेश्वर प्रथम है ये कल्याणी का चालुक्य शासक था, और ये जय सिंह सेकंड के बाद शासक बना, जो जय सिंह सेकंड का पुत्र था ये। ठीक है, अब देखिएगा, जो सोमेश्वर प्रथम है यह है 1043 ईस्वी में राजा बनता है, और इसने अपनी राजधानी मान्यखेत से कल्याणी में स्थानांतरित की तथा वहां अनेक सुंदर भवन बनवाए। विलन के अनुसार उसने कल्याण नगर को इतना सजाया कि वह संसार के सभी नगरों में श्रेष्ठ बन गया। वह एक विजेता था। तो देखिएगा, जो मान्यखेत है ये कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित है, जो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था कि भाई जो राष्ट्रकूट सत्ता है इसका अंत करके तैलब सेकंड ने मान्यखेत के स्थान पर कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि जो सोमेश्वर प्रथम है इसकी विजयों का विवरण है वह हमें नांदेड़ जो हैदराबाद में है के लेख में मिलता है, जिसके अनुसार सोमेश्वर ने मगध, कलिंग और अंग के शत्रु राजाओं की हत्या कर दी तथा कोंकण पर आक्रमण कर वहां के राजाओं को अपने पैरों पर गिरने के लिए विवश किया था। तो देखिएगा, जो ये मगध है ये 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था, हमने पढ़ा भी था महाजनपदों के बारे में। और जो कलिंग है ये उड़ीसा में स्थित है, अंग भी एक महाजनपद था। और देखिएगा, इन जो मगध, कलिंग और अंग के जो शत्रु राजा हैं इनकी सोमेश्वर फर्स्ट है ये हत्या कर देता है और कोंकण पर अपना अधिकार कर लेता है।
मालवा के राजा ने अपनी राजधानी धारा में हाथ जोड़कर उससे याचना की। उसने चोल शासक को युद्ध में पराजित किया तथा वेंगी और कलिंग के राजाओं को अपनी ओर मिला लिया। इसी लेख में उसके सेनापति नागवर्मा का उल्लेख है। बताया गया है कि वह राजा का दाहिना हाथ था। तो देव वेंगी आंध्र प्रदेश में, धारा ये मध्य प्रदेश में स्थित मालवा का जो प्रसिद्ध शासक था, परमार शासक, भोज की राजधानी था धारा। ठीक है, सोमेश्वर फर्स्ट है, इसने विंध्याधिपति मल, धारा, वर्षा, दर्पोत पाटन, मार सिंह है, हम मर्दन, सिर छेदन, चक्रकूट, कालकूट जैसी उपाधियां प्रदान की थी। ठीक है, अब देखिएगा इसके चोलों से लड़ाई। तो चोल कौन थे? चोल नहीं, दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। होता क्या है कि राजराज नरेंद्र है, इसके राजारोहण से ही मतलब कि 1022 ईस्वी के बाद से ही व्यंग्य की स्थिति ठीक नहीं थी। ठीक है, और जो राजराज नरेंद्र है, इसका सौतेला भाई विजयादित्य उसका प्रतिद्वंदी बना हुआ था। कल्याणी के चालुक्य विजयादित्य के और चोल राजराज का समर्थन कर रहे थे। तो जो कल्याणी के चालुक्य शासक है वो विजयादित्य का समर्थन कर रहे थे, जबकि जो चोल जनता वो राजराज नरेंद्र का समर्थन कर रही थी। अब जो विजयादित्य, इसने इसकी सहायता के लिए सोमेश्वर प्रथम ने सेना भेजी थी। सोमेश्वर प्रथम ने विजयादित्य की सहायता के लिए सेना भेजी और सेना के सहयोग से सोमेश्वर ने राजराज को हरा दिया तथा वेंगी पर अधिकार कर लिया। किसने? विजयादित्य ने, क्योंकि भाई जो सोमेश्वर है इसने अपनी सेना भेजी थी और राजराज को विजयादित्य हरा देता है और वेंगी पर अधिकार कर लेता है। इसी समय युद्ध में राजेंद्र मारा गया था और उसका पुत्र राजाधिराज चोल वंश का, जो चोल वंश की गद्दी पर बैठा था। चोल सत्ता वेंगी में पुनः कायम हो गई और राजाधिराज ने स्वयं सेना को नेतृत्व सेना का नेतृत्व किया तथा चालुक्यों को हराया था। ठीक है, तो इसी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिएगा चोलों से लड़ाई। नांदेड़ लेख के आधार पर कहा जा सकता है कि सुदूर दक्षिण के चोलों के साथ सोमेश्वर का दीर्घकालीन संघर्ष हुआ। वेंगी में उत्तराधिकार को लेकर चालुक्यों तथा चोलों में शत्रुता बनी हुई थी। वेंगी में चोल सत्ता पुनः कायम करने के उद्देश्य से उसने स्वयं सेना का नेतृत्व करते हुए चालुक्यों के विरुद्ध अभियान किया। कृष्णा नदी के तट पर धान्यकटक में उसका पश्चिमी चालुक्य सेनाओं से युद्ध हुआ। इस बार चोल विजयी रहे। ठीक है, विजयादित्य तथा सोमेश्वर का पुत्र विक्रमादित्य द्वितीय युद्ध क्षेत्र से भाग गए। ठीक है, क्योंकि विजयादित्य किसका समर्थक था? वो तो चालुक्यों का था। तो ये क्या है, फिर चोल यहाँ पर इनको हरा देते हैं और ये वहां से भाग जाते हैं। वेंगी पर चोलों ने अधिकार कर लिया। ऐसा लगता है कि चोल बहुत समय तक वेंगी में नहीं रुक सके तथा बाद में उनके समर्थित राजा राजराज ने सोमेश्वर की दीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, बाद में क्या है कि भाई जो राजराज है वह सोमेश्वर की दीनता स्वीकार कर लेता है। धान्यकटक के युद्ध में विजयी होने के बाद राजाधिराज चालुक्य राज्य में कोल्लिपाक्के तक जा पहुंचा, किंतु यहाँ चालुक्यों ने उसका कड़ा प्रतिरोध किया जिससे वह और आगे नहीं बढ़ पाया। चोल चालुक्यों के बीच अगला युद्ध पुंडर अर्थात कृष्णा नदी के बाएं तट पर स्थित है, पुंडर वहां पर होता है। वेंगी में चोल तथा सत्ता पुनः कायम करने के उद्देश्य से उसने स्वयं सेना का नेतृत्व करते हुए चालुक्यों के विरुद्ध अभियान किया। कृष्णा नदी के तट पर धान्यकटक में उसका पश्चिमी चालुक्य सेनाओं से युद्ध हुआ। इस बार चोल विजयी रहे। देखिएगा, कभी चोल विजयी हो रहे हैं तो कभी चालुक्य विजयी हो रहे हैं। ठीक है, विजयादित्य और सोमेश्वर के पुत्र विक्रमादित्य द्वितीय युद्ध क्षेत्र से भाग जाते हैं और वेंगी पर चोलों के ने अधिकार कर लिया। ऐसा लगता है कि चोल बहुत समय तक वेंगी में नहीं रुक सके तथा बाद में उनके समर्थित राजा राजराज ने सोमेश्वर की दीनता स्वीकार कर ली और धान्यकटक के युद्ध में विजयी होने के बाद राजाधिराज चालुक्य राज्यों में कोल्लिपाक्के तक जा पहुंचा, किंतु यहाँ चालुक्य ने उसका कड़ा प्रतिरोध किया जिससे वह और आगे नहीं बढ़ पाया। चोल चालुक्यों के बीच अगला युद्ध पुंडर अर्थात कृष्णा नदी के बाएं तट पर स्थित है, पुंडर
पुनर्वर्धन वहां हुआ। इस युद्ध में चालुक्यों की ओर से तेलुगु राजा विजय ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, किंतु उसके माता पिता तथा अन्य संबंधियों को चोल सैनिकों ने पकड़ लिया। जब आहवमल ने दया की भीख मांगी मांगने के लिए अपने दूत चोल नरेश के स्कंधावार में भेजा, तो उन्हें अपमानित किया गया तथा उनके शरीर पर आहवमल व्रणित कायर है अंकित कर वापस भेज दिया। युद्ध में चोलों की विजय हुई तथा पुंडरनगर को लूट पाट करने के बाद ध्वस्त कर दिया गया। उसके खंडहरों पर गधों का हल चलवाया गया। चोल सैनिकों ने मणंदीपे नगर को जला दिया। बताया गया है कि चोलों ने चालुक्यों के अनेक सेनापतियों के सिर काट लिए तथा यत्गिरी में अपना विजय स्तंभ स्थापित किया। सोमेश्वर ने संधि का प्रस्ताव भेजा, किंतु चोल नरेश ने अत्यंत अपमानजनक ढंग से उसे अस्वीकार कर दिया। चोल सेना ने आगे बढ़ते हुए राजधानी कल्याणी को जीत लिया तथा उसे जला दिया। इस विजय के उपलक्ष्य में राजाधिराज ने विजेंद्र की उपाधि ग्रहण की। ठीक है, राजाधिराज है, इसने विजेंद्र की उपाधि धारण की। कल्याणी को जलाने के बाद चोल नरेश अपने साथ द्वारपालक की एक सुंदर मूर्ति उठा के ले गया तथा उसे दारासुरम मंदिर, जो तंजौर जिले में स्थित है, के प्रवेश द्वार पर स्थापित किया गया। इसके ऊपर तमिल भाषा में ये लेख खुदा हुआ है, उदयार श्री विजयरा जेंद्र देव द्वारा कल्याणपुरम को जला देने के बाद लाया गया द्वारपालक। चोल नरेश राजाधिराज ने अपने छोटे भाई राजेंद्र द्वितीय, जो अभी युवराज था, की सहायता से पुनः सोमेश्वर के ऊपर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं में कोप्पम नामक स्थान पर पुनः संघर्ष हुआ। परवर्ती चोल लेखों से पता चलता है कि इसमें भी चोल सैनिकों ने कई चालुक्य सेनापतियों को धराशायी कर दिया। सोमेश्वर पराजित होकर भाग गया। चालुक्यों की बहुत सारी संपत्ति, वाहनों तथा स्त्रियों पर चोलों ने अधिकार कर लिया। विजयी राजेंद्र ने युद्ध क्षेत्र में भी अपने आप को सम्राट घोषित किया तथा कोल्हापुर तक बढ़ते हुए वहां अपना विजय स्तंभ स्थापित कर दिया। इसके बाद वह अपनी राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम वापस लौट गया था। ठीक है, सोमेश्वर अधिक समय तक इस पराभव को, अर्थात अपनी हार को सहन नहीं कर सका तथा अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसने चोलों के विरुद्ध पुनः कमर कसी। वेंगी में राजराज की मृत्यु के बाद उसने विजयादित्य सप्तम के पुत्र शक्तिवर्मा द्वितीय को राजा बनाया तथा उसकी रक्षा के लिए अपने सेनापति चामुंडराज के नेतृत्व में एक बड़ी सेना रखी। उसके बाद सोमेश्वर ने अपने पुत्र विक्रमादित्य तथा मालवा के राजे जय सिंह के नेतृत्व में एक सेना गंगवाड़ी पर आक्रमण करने को भेजी। राजेंद्र द्वितीय ने अपने पुत्रों राज महेंद्र तथा वीर राजेंद्र को दोनों ही मोर्चों पर चालुक्यों का मुकाबला करने के लिए भेजा। वेंगी के युद्ध में चामुंडराज तथा शक्तिवर्मा मारे गए। गंगवाड़ी में भी वीर राजेंद्र ने चालुक्य आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया तथा तुंग और भद्रा नदियों के संगम पर स्थित कुड़ेल संगम के युद्ध में उन्हें बुरी तरह पराजित किया गया। इस प्रकार सोमेश्वर ने कोप्पम युद्ध में हुए अपने अपमान का बदला लेने के लिए जो अभियान प्रारंभ किया, उसमें भी उसे सफलता नहीं मिली। राजेंद्र द्वितीय का उत्तराधिकारी वीर राजेंद्र हुआ। उसके समय में भी चालुक्यों से संघर्ष चलता रहा। पता चलता है कि सोमेश्वर ने चोलों के विरुद्ध पूर्व तथा पश्चिम दोनों ही दिशाओं में मोर्चाबंदी की। पूर्व में उसने अपने सामंतधारा के परमार वंशी जननाथ के नेतृत्व में एक सेना तैनात की तथा पश्चिम की ओर युद्ध करने के लिए विजयादित्य को भेजा, किंतु वीर राजेंद्र ने दोनों ही मोर्चों पर सफलता पाई। वेंगी में चालुक्य के सेनाएं पराजित हुई तथा पश्चिम में तुंगभद्रा नदी के तट पर हुए युद्ध में भी चोलों ने सोमेश्वर की सेना को पराजित कर उसे भारी हानि पहुंचाई, किंतु सोमेश्वर निराश नहीं हुआ और पुनः शक्ति जुटाकर वीर राजेंद्र के पास अपना संदेश वाहक भिजवाकर कुड़ल संगम में ही पुनः युद्ध करने की चुनौती दी। चोल सम्राट अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा वह निश्चित स्थान एवं समय पर चालुक्यों से मुठभेड़ के लिए उपस्थित हुआ, किंतु सोमेश्वर इस युद्ध में नहीं आया। यद्यपि उसकी सेनाएं पहुंच गई थी, वीर राजेंद्र ने एक माह तक उसकी प्रतीक्षा करने के बाद चालुक्य सेनाओं पर धावा बोल दिया। विजय श्री उसे ही मिली तथा चालुक्य सेनाओं को पराजय का मुख देखना पड़ा। इस विजय के उपलक्ष्य में वीर राजेंद्र ने तुंगभद्रा के तट पर अपना विजय स्तंभ स्थापित किया। ठीक है,
इसके बाद उसने अपनी सेना को लेकर व्यंग्य की ओर प्रस्थान किया। यहाँ चालुक्यों की ओर से युद्ध करने के लिए विजयादित्य तथा राजराज उपस्थित थे तथा चोलों की ओर से युवराज राजेंद्र, जो बाद में कुलातुंग प्रथम के नाम से भी जाना गया है, ने युद्ध किया। ठीक है, तो चालुक्यों की ओर से तो कौन था? विजयादित्य, और राजराज तथा चोलों की ओर से युवराज राजेंद्र था। कृष्णा नदी के किनारे बैजवाड़ा में चोलों तथा चालुक्यों के बीच अंतिम संघर्ष हुआ। इसमें भी चालुक्यों की पराजय हुई तथा उनके कई सेनापति मारे गए। बताया गया है कि चालुक्य सेनापतियों के सिर काटकर गंगईकोंड चोलपुरम की दीवारों पर टांग दिए गए। इस विजय के बाद वीर राजेंद्र ने अपने हाथियों को गोदावरी नदी का जल पिलाया तथा उसके बाद कलिंगम को पार करते हुए अपनी सेना को चक्रकूट तक भेजा। व्यंग्य पर उसका पूर्ण अधिकार हो गया, जिसे विजयादित्य को सौंपने के बाद वह अपनी राजधानी वापस लौट आया। इस प्रकार प्रत्येक बार सोमेश्वर को चोलों से पराजित होना पड़ा, किंतु चालुक्य राज्य पर अधिकार करने का स्वप्न चोल पूरा नहीं कर पाए। इसके विपरीत सोमेश्वर कम से कम कुछ समय के लिए व्यंग्य के ऊपर अपना अधिकार रख सकने में सफल हो पाया था। सोमेश्वर ने अपने उत्तरी अभियान में गुजरात के चालुक्य शासक भीम तथा त्रिपुरी के कलचुरी शासक कर्ण को पराजित किया था। सोमेश्वर ने अपनी शक्ति का विस्तार विदर्भ, कोसल तथा कलिंग तक किया था। कलिंग का इस समय गंग वंशीय वज्रहस्त पंचम का शासन था, जो सोमेश्वर द्वारा पराजित किया गया था। ठीक है, तो देखिएगा, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सोमेश्वर फर्स्ट है। इसने कल्याणी के चालुक्य वंश के महान शासकों में से ये एक शासक था और विजेता भी था। ये विजेता होने के साथ साथ ये उच्च कोटि का निर्माता भी था और कल्याणी में अपनी राजधानी स्थानांतरित करने के बाद इसने भव्य भवनों से उसे अलंकृत कर संसार का सूर्य